हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप रीजनिंग के हर मॉक टेस्ट में या एग्जाम में पूरे 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर सकते हो, और यदि थोड़ा सा मॉडरेट आ भी जाए तो उसमें भी आप आराम से 30 प्लस स्कोर कर सकते हो, अटेम्प्ट अच्छे कर सकते हो विथ फुल एक्यूरेसी। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे हर मॉक टेस्ट में पूरे 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ विद इन टाइम। टाइम बच भी जाता है, देखो इसमें पूरे 30 किए हैं फुल करेक्ट है, इसमें पूरे 30 किए हैं एक गलत हुआ है, और इसमें पूरे 30 किए हैं ये भी फुल करेक्ट है। तो इस तरीके से यदि आपको भी अपनी स्पीड बढ़ाना है तो सबसे पहली चीज़ आपको जो करना होगी, जैसे दो चीज़ें होती हैं अपनी रीजनिंग में, एक होता है पजल वाला पार्ट, दूसरा होता है आपका मिसलेनियस पार्ट। तो दोनों ही पार्ट में आपकी स्पीड जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप मेरी यहाँ पे देखोगे पजल में, तो कोई भी पजल मेरी जो है प्री की इस लेवल की, आरबी असिस्टेंट है सामने तो उसी को रख के मैं बातें कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे 84 सेकेंड में पजल बन रही है, ये पजल नहीं है, यहाँ पे देखो ये 93 सेकेंड में पजल बन रही है, यहाँ पे देखो तो ये पजल बन रही है आपकी 89 सेकेंड में, ये पजल बन रही है, और कहाँ है पजल, ये बन रही है 90 सेकेंड में। तो किसी भी मॉक में आप देखो कोई भी पजल जो है मेरी 93 सेकेंड में, एक से डेढ़ डेढ़ से दो मिनट में, ये देखो ये 120 मिनट दो मिनट, 120 सेकेंड दो मिनट। तो कोई भी जो पजल है प्री की मेरी, हर मॉक में डेढ़ से दो मिनट में वो बन जाती है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है पजल्स पर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है पजल्स पर, और इस लेवल की पजल पर प्रैक्टिस नहीं की, मैंने बहुत बड़ी बड़ी पजल्स भी बनाई हैं, मेंस की भी और प्री की भी, ठीक है। और अंकु सर की जो 1000 पजल वाली सीरीज है, मैंने वो पूरी 1000 बना रखी है, मैंने खुद से 3 बार 100 पजल्स इन अ डे बनाई है खुद से, तो 300 पजल की प्रैक्टिस तो मेरी वही हो गई। तो ऐसे बल्क में मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, और पजल पर मैंने एक वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाया है, तो वो वीडियो आप जरूर से देखना, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में, तो वहां से आप देखना, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप्स की अपन बात कर लेते हैं जिसमें हो सकता है आप फंस सकते हो, कुछ लोग किसी और चीज़ में फंसते हो, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको बेसिक बेसिक से बताता हूँ, जैसे ये पजल है, पजल के लिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन में यदि आप फंसते हो तो ये क्वेश्चन देखो, इसका लेंथ जो है कम, यहाँ पे उन्होंने चीज़ें दी हैं, कम अल्फाबेट कम सिंबल दिए, ये इतने इतने तक आ जाते हैं। स्मार्ट कीड़ा में तो इसके नीचे तक एक लाइन और आ जाती है, तो ये लेंथी हो सकती है, लेकिन एग्जाम में इतने ही आते हैं, इससे थोड़ा सा और बढ़ा भी लो तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में इतने ही आते हैं। अब इन द गिवन अरेंजमेंट व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन ये और ये, तो ये यहाँ पर है, ग्रेटर देन वाला साइन ये है, ठीक है, और डॉलर, तो इनके बीच में जो नंबर्स हैं उनका सम कितना है। बस आपको नजर पैनी रखना है, जितना अच्छे से देखोगे स्क्रीन पर उंगली रखकर इस क्वेश्चन को बनाना चाहिए, यहां से चलो 7, 3, 10, 5, 15, बस डॉलर आ गया, 15 आंसर हो गया, इतना ही करना, इतने करने में आपको इतने सेकंड लगना चाहिए बस। क्वेश्चन रीड किया, ये है कि जल्दी नहीं करना, यदि एक भी सिंबल आपने गलत देख लिया या गलत कर दिया, जैसे इस वाले को मैंने ये वाला देख लिया और 4 भी ऐड कर लिया, तो मेरा 19 आ जाएगा, फिर मैं ढूंढता रहूंगा ऑप्शन में और फिर से देखने लगूंगा, तो ये गलती नहीं करना, एक बार पढ़ना है, ध्यान से देखना है और फिर कैलकुलेट करके टिक कर देना है, इतना सा इसमें टाइम लगता है। इसी के एक और टाइप के क्वेश्चन बताता हूं, इन द गिवन अरेंजमेंट थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज इमीडिएटली फॉलोड बाय, थर्ड नंबर जो है वो इमीडिएटली किससे फॉलोड है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या है 7 है, उसके बाद कौन है प्लस है, तो फॉलोड बाय किससे हो गया प्लस हो गया। तो बस इतना ही आपको इन क्वेश्चंस में करना होता है, लेंथी भी आता है तो थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा और प्लस माइनस करना पड़ेगा। हाउ मेनी सिंबल्स आर बिटवीन 4 एंड हैश, तो ये 4 है, हैश यहाँ पे इसके बीच का सिंबल गिनना है, सिंबल गिनना है, गिनो और टिक कर दो, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन टाइप हो गया। अब इसमें एक टाइप आता है, इसी में यहाँ पे देखता हूँ दिया है कि नहीं, इसमें शायद नहीं दिया है। देखो इसमें एक चीज आती है, वो पूछता है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो प्रिसीडेड हैं किसी सिंबल से और फॉलोड हैं किसी अल्फाबेट से। तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, कैसे कि प्रिसीडेड और फॉलोड का मतलब तो पता होता है, लेकिन जैसे यहां पढ़ने के बाद यहां जाते हैं तो भूल जाते हैं कि प्रिसीडेड किसके लिए बोला था और फॉलो किसके लिए बोला था। फॉलो में अपन देखने लगते हैं अल्फाबेट को, प्रिसीडेड में देखने लगते हैं सिंबल को, या फिर उसका अपोजिट कर देते हैं। तो उसका मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूं आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो जिसके बारे में पूछ रहा है, जैसे सिंबल इज प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय, तो सिंबल सेंटर में हो गया, प्रिसीडेड जिसके लिए बोला है उसको आप पहले दिमाग में रख लो, जैसे प्रिसीडेड बाय नंबर बोला, नंबर सिंबल फिर अल्फाबेट बोला, तो दिमाग में छाप लो नंबर सिंबल अल्फाबेट, नंबर सिंबल अल्फाबेट। तो यहां का जब देखना चालू करते हो तो इसी ऑर्डर में उसको देखो, नंबर सिंबल अल्फाबेट। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन टाइप है, तो इसमें भी अपने को स्क्रीन से ही देखकर फटाफट बनाना होता है, कुछ भी पेपर पेन पे लिखना नहीं होता है। विच नंबर हैज हाईएस्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट का किसका हाईएस्ट सम है, तो देखो सबसे पहले तो जिसमें 9 है वो देखा करो, ठीक है, क्योंकि हमें एक ही बताना है, दो तो टिक नहीं करना यहाँ पे, और बोथ ए एंड बी भी नहीं दिया, एक ही बताना है, सबसे पहले 9 वाला देखो कि सबसे बड़ा ही नंबर 9 है, और यहां देखने की बजाय यहां देखो ऑप्शन में, यार इतना फास्ट तो आपको बनना पड़ेगा। विच नंबर हैज हाईएस्ट सम, तो 9, 4, 13, 7, 5, 12, 2, 1, 3, 7, 5, 12, 8, 3, 11, बस 9, 4, 13, यहाँ इससे ज्यादा हो ही नहीं रहा, 9 फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है आपको, बस यही तो टिक करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना होता है। हाउ मेनी नंबर्स हैव एग्जैक्टली टू प्राइम डिजिट्स, टू प्राइम डिजिट्स यहाँ से काउंट करना है, एक ही नंबर के पास है तो एक टिक कर दिया। तो इतना ही टाइम इसमें लगता है, आप टॉपर को देखो चाहे मेरा टाइम देखो, इतना ही टाइम इसमें लगना चाहिए और आपको भी इतना टाइम इसमें लगाना चाहिए। क्या होता है कि आप क्वेश्चन को कभी कभी
ज्यादा टाइम दे देते हो तो उसकी वजह से दूसरे क्वेश्चंस को टाइम नहीं दे पाते और हो सकता है आपके अटेम्प्ट कम रह जाते हो। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन टाइप देख लेते हैं कि किस टाइप से आते हैं, मैं आपको और बता देता हूँ चीजें। ये तो आपको आते ही होंगे, इनइक्वालिटी। और क्या देख सकते हैं इसमें अपन, ये देखो ये भी पजल है। उसके बाद ये वाले, एक ने कमेंट किया था डायरेक्शन में बहुत टाइम लग जाता है। देखो डायरेक्शन में कुछ नहीं करना, चार चीजें आपको याद रखना है, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इस तरफ, वेस्ट इस तरफ, ठीक है? तो चार बिल्कुल ये दिमाग में छाप लो, जैसे ये क्वेश्चन दिखे तो या तो एक प्लस बनाओ, प्लस में प्लस बना के नॉर्थ और साउथ ईस्ट वेस्ट ये लिख लो। जैसे ही आप पढ़ते हो ना तो उसी डायरेक्शन में बस अल्फाबेट्स को लिखते जाओ, ठीक है, लाइन ड्रॉ करके, सच दैट आर इज 8 सेंटीमीटर वेस्ट ऑफ पी। तो जैसे ही मैंने वेस्ट पढ़ा तो मुझे दिख जाएगा कि भाई वेस्ट इस तरफ होता है, इस तरफ ईस्ट होता है, तो बस आर को इधर रखूंगा, आर्ट खींचूंगा और वेस्ट जो पहले है उसको पहले लिखो, फिर जितना दिया है डिस्टेंस वो लिखो और फिर आगे वाला लिखो। आर इज, टी इज, क्यू इज, ठीक है, कहीं भी पढ़ लो आप, आर इज, एस एंड आर इज, सबके आगे एस इज, सबके आगे इस लगा हुआ है, यानी कि जिसके आगे इज लगा है वो उसी की बात कर रहा है। आर इज यानी कि आर है 8 सेंटीमीटर वेस्ट ऑफ पी। तो जब हर अल्फाबेट पहले ही है तो उसको पहले ही लिख दो और बाद में जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में लिख दो। आर इज 8 सेंटीमीटर, आर को रखो, 8 खींचो लाइन, फिर पी लिखो। अब एस इज 4 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ क्यू, एस को रखो, फिर लाइन खींचो, 4 सेंटीमीटर एस ईस्ट में है तो एस को ईस्ट में रखो, उससे पीछे की तरफ लाइन खींचो 4 सेंटीमीटर और क्यू लिखो। तो ये कुछ बेसिक बेसिक टिप्स हैं, ये आपको फॉलो करना चाहिए जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, इस तरीके से आपको बनाना चाहिए, धीरे धीरे इसी में आपकी स्पीड आएगी। अब जो इस तरीके की डायरेक्शन होती है, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इस तरह की डायरेक्शन होती है, तो कुछ नहीं है, जैसे ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट के बीच की जितनी भी डायरेक्शन होंगी वो सारी नॉर्थ वेस्ट होंगी बीच वाली। तो बस जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को दिमाग में रखा है वैसे ही इनको भी रखना पड़ेगा, ठीक है? एक प्लस बना है तो एक मल्टीप्लाई वाला क्रॉस बनता है, तो वो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट हो जाता है, ठीक है? तो इसको भी दिमाग में रख के आपको इसी तरीके से जैसे मैंने इसके लिए बताया है वैसे ही बनाना है। अब इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस बनाने हैं, मिसलेनियस के लिए और पजल के लिए, दोनों के लिए मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट टिप्स दी हैं, जरूर से आप ये फॉलो करना, इंप्लीमेंट करना जब भी आप प्रैक्टिस करते हो। इनको यदि आप इंप्लीमेंट करोगे तो ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक बात। दूसरी, रीजनिंग के लिए अलग से टाइम अलॉट करने की जरूरत नहीं है, जब भी कुछ पढ़ने का मन ना करे तब आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, तब आप रीजनिंग बनाओ, कोई भी क्यूज उठाओ, कोई भी पजल उठाओ और उसको बनाना स्टार्ट कर दो। इस तरह से रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे तो क्वांटिटी में प्रैक्टिस होगी और क्वालिटी तो अपने आप इंप्रूव होगी ही यदि क्वांटिटी में करोगे तो, ठीक है? बल्क में प्रैक्टिस करना है हर चीज़ की, मैंने हमेशा आपको बोला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी रीजनिंग के लिए, आप ये फॉलो करना। इंग्लिश के लिए मैं एक अलग से वीडियो इस चीज़ पर बनाऊंगा तो वो भी आप देख लेना, ठीक है? आई होप सो आपको इस वीडियो से हेल्प मिले और वीडियो पसंद आए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।